आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के भरतपुर के नगर सीट से नौजवान विधायक वाजिब अली। तो वाजिब अली साहब, आप भरतपुर से आपने जयपुर का सफ़र तो तय कर लिया, आपका ये सफ़र कैसा रहा? आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। बहुत अच्छा सफ़र रहा, सब जगह से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों ने एक उम्मीद मेरे अंदर देखी है, एक चैलेंज भी है आने वाले टाइम में, तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जैसा कि आप का जो वोट का मार्जिन हार जीत का रहा है वो लगभग 25,000 वोटों का रहा, तो जाहिर सी बात है सभी समाज के लोगों ने आपको वोट किया। तो जैसे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है वो जाहिर सी बात है आपके लिए भी एक चैलेंज रही होगी, आपने उस राजनीति को कैसे पछाड़ कर और आप एक अपने एरिए में सर्व समाज के नेता के रूप में उभरे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बात बताएँ। ये सही बात है, देश के अंदर आज पिछले कई सालों से, खासकर 4-5 सालों से जो राजनीति हो रही थी, तो लोगों को बल कराया जा रहा था धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है। हमने कोशिश की कि हम लोगों के बीच पहुँचे, लोगों को जागरूक किया और जो नीतियाँ थी सरकार की उनको, उनके बारे में उनको समझाया और बताया भी, और लोगों ने विश्वास किया कि अब नए दौर का ज़माना है, नई चीज़ लोगों को चाहिए। लोग अब थक चुके हैं इन पुराने मुद्दों से, हर बार ये सरकारें आती हैं मुद्दों के लेकर वोट लेकर चली जाती हैं पर लोगों के काम नहीं होते, उनकी परेशानियां जो कि त्यों बनी हुई हैं। तो वही हमने काम किया, लोगों को उनके राइट्स के लिए जागरूक किया और लोग समझे, हमें सब समाज से हमें प्यार मिला, मोहब्बत मिली, उसी का नतीजा है कि बहुत बड़े मार्जिन से लोगों ने हमें विधानसभा भेजा। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ है अवाना जी जो राजस्थान से सबसे ज़्यादा विधायक जीते थे, जो 6 विधायक जीते थे उनमें से एक अवाना जी भी हैं जो नदबाई सीट विधानसभा सीट से हैं। सर, कैसा चुनाव का जो आप विधानसभा चुनाव में जीते हैं सर, कैसी चुनौतीपूर्ण रहा और जिस प्रकार से वहाँ बीजेपी की सरकार थी और एक जो एजेंडा पूरे देश में बना हुआ था हिंदू मुस्लिम था सर, उसको आपने तोड़कर और जो एक विधानसभा में पहुँचे हैं आप जयपुर में, सर कैसे लगा? देखिए, हमारी जो नदबई विधानसभा थी भरतपुर ज़िले की सीट है, इस सीट पे लगभग पिछले 3 योजनाओं से हमारी बहन दीपा जी यहाँ मौजूद थीं और वर्तमान में वो कैबिनेट मिनिस्टर थीं, पर्यटन मंत्री थीं। वहाँ लोगों में एक बदलाव की इच्छा थी और वो बदलाव केवल और केवल वो चाहते थे कि यहाँ विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। बड़ा संघर्ष रहा, लास्ट तक हम लोग लड़ते रहे, खूब ज़बरदस्त तरीके से लड़े और अंत में आके मेरी 4,094 वोट से जीत हुई। और मैं समझता हूँ कि लोगों के मन में एक बदलाव की भावना थी और जिस तरह से यहाँ राजस्थान प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस का चलता है, विकल्प के तौर पे केवल और केवल बीएसपी को लोग चुनना चाहते थे, क्योंकि हमारी जो नेता हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, तो वो 4-4 बार मुख्यमंत्री जब रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनसे ज़्यादा विकास किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी रहा हो, किसी की सरकार रही हो, किसी ने नहीं किया। तो लोगों ने बहन जी के कैंडिडेटों को केवल और केवल इस रूप में देखा कि जिस तरह विकास की देवी बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो यहाँ राजस्थान में भी विकास कराएंगे। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हम खड़े हुए हैं केंद्रीय बीएसपी ऑफिस पर और आज हमारे साथ है तिजारा विधानसभा से, जो राजस्थान की विधानसभा है उसके विधायक हैं संदीप यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज सुबह से बीएसपी जो केंद्रीय ऑफिस है इस पर बैठक चल रही है सर, किन किन मुद्दों को लेकर किन किन पर चर्चा हुई और सबसे पहले आपको बधाई, आप नए नए विधायक बने सर। धन्यवाद साहब, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई जिसमें सभी, पहले सभी लोगों को 4 स्टेट्स की मीटिंग थी और सभी को, आज तो मुख्यतः सभी को बहन जी की तरफ से बधाई दी गई है। अभी अलग अलग स्टेट्स की बैठक चल रही है, चुनावी मंथन चल रहा है। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं भिंड विधानसभा के संजीव कुमार संजू जो नव निर्वाचित विधायक बने हैं और आज वो दिल्ली आए हुए थे और बहन जी ने आज एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में अटेंड करने आए थे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप विधायक बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, क्या चैलेंज रहे आप विधानसभा से, सर विधायक बने हैं भिंड विधानसभा से, क्या क्या चैलेंज रहे सर? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसमें चुनाव में सारे उसूल ताक पर रख के चुनाव लड़ती है, धनबल का, पैसे का, प्रशासन का पूरी तरीके से प्रयोग करती है, तो हम उसके खिलाफ लड़कर आए हैं, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पर सारी चुनौतियां उसका सामना करके जनता ने आशीर्वाद दिया है, इनका विरोध था भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ है एमपी की नई जो निर्वाचित विधायक है पथरिया विधानसभा से राम भाई जी, आपको कैसा लग रहा है पहली बार आप विधायक बने बीएसपी से, क्या कहना चाहेंगे जी? अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं विधायक बनी हूँ, 2 पंचवर्षीय से जिला पंचायत सदस्य हूँ और वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हूँ,
तो मेरी पथरिया विधानसभा की जनता ने और हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने और सब में बड़ा आशीर्वाद हमारी आदरणीय बहन जी का था, जिन्होंने 24 तारीख को हमारे यहाँ सभा दी, 22 तारीख को हमारे यहाँ सभा दी, उससे हमारी पथरिया विधानसभा बिल्कुल बहुत जागृत हो गई थी। तो सब ने बहुत अच्छी बहुमतों से जिताया है मुझे, दोनों पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी की भी जीत तोड़ लड़ी, पर मुझे पहले से ही विश्वास था कि कोई भी लड़े पर जीतूंगी मैं ही।